Assalamualaikum, this is Maria Khan from Amana.com. आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो. मैं उम्मीद करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये साल आप सब लोगों के लिए बहुत सारी खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ हो और हमारे मुल्क के लिए जो चीज़ें ऊपर नीचे हुई हुई हैं हमारे मुल्क के लिए भी सब कुछ बहुत अच्छा हो. बिकॉज आई थिंक नाउ इट्स रियली टाइम के हो जाना चाहिए. आज मैं आप लोगों के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर कंट्री साइड रेजिडेंशिया की साइड पर और मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहती थी रोज़ विलास के हवाले से. रोज़ विलास मेरी नज़र में इस टाइम पर पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि इस अमाउंट में यानी कि 4.5 मिलियन में इस टाइम पर आप कहीं पर भी 4.5 मरला के करीब कोई विला आपको या घर बना बनाया मिल सकता है. बहुत मुश्किल है और स्पेशली अगर मिल भी जाएगा तो उसकी या तो लोकेशन अच्छी नहीं होगी या कोई ना कोई इसमें इशू लाजमी होगा, ठीक है. लेकिन ये वाहिद रोज़ विलास वाहिद वो विलास हैं जो कि 4.5 मिलियन में इंतहाई ज़बरदस्त लोकेशन पर आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है. और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है रॉयल विलेज जीटी रोड रवात के बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन है, ठीक है. टोटल जो लैंड है जहाँ पर ये बनने जा रहे हैं विलास दैट इज़ अराउंड 2000 कनाल्स. ओके, नाउ इसके बारे में कुछ और तफसीलात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. इसके पास से रिंग रोड बिल्कुल पास से गुजरने वाला है, ठीक है. और इसके कंट्री साइड फार्म हाउस और कंट्री साइड रेजिडेंशिया का जो है बीच में एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर जीटी रोड से डायरेक्टली एक्सेस इन दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलने वाली है. तो इससे होगा ये कि एक तो आप लोग डायरेक्टली जीटी रोड से इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है. और इसके बाद ये भी कि जब लोकेशन अच्छी होती है, लीगैलिटी से कोई इशू नहीं होता, हर चीज़ अच्छी होती है तो क्या होता है, आप लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है. और अगर प्रॉफिट आप लोग नहीं भी लेना चाहते फिर भी क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को, आप वहाँ पर रह सकते हैं. आप लोगों के लिए ही आसानी है, एक्सेसिबिलिटी के इशूज़ ख़त्म हो जाते हैं, ईजिली आप कहीं भी जाना चाहें ट्रैवल करना चाहें आप लोग कर पाते हैं. कोई इस तरह का मसला नहीं होता कि आप लोग कहीं बहुत दूर के इलाके में वहाँ से निकल नहीं पाएंगे या फिर आपको मेन रोड से चार मतलब DHA गीगा मॉल कोई हार्डली मेरे ख्याल से 15 मिनट के फासले पर है, ठीक है. बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में इसकी लोकेशन है कंट्री साइड रेजिडेंसी की. तो रोज़ विलास का जो है ये मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. फर्दर मोर बहुत लिमिटेड सी ये विलास है, ठीक है. और हम लोगों का जो मकसद है ना इन विलास को बनाने का वो ये है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये प्रोजेक्ट जल्दी आबाद हो जाए. बिकॉज़ वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. हम लोगों ने अपने हमारे जितने भी करीबी लोग हैं उन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है और हमें क्योंकि हमें पता है हम लोगों ने खुद इसको डेवलप करवाना है. सो वी नो कि इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये आगे जाकर आप लोगों को मायूसी नहीं होगी अगर आप लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं. क्योंकि हम लोगों ने इसको तकरीबन 3 साल के अरसे का इसका पेमेंट प्लान है, ठीक है. तो 3 साल के अंदर अंदर हम लोगों ने इसको डेवलप करके आप लोगों के हवाले करना है. और हमारी सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो यही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द आबादी है. इसलिए हम लोग बिल्कुल आप लोगों को चार्ज ही वही कर रहे हैं जो हमें इसकी कॉस्ट आ रही है. इस वजह से बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस चीज़ को निगोशिएट करना कि हम आप लोगों को फर्दर मज़ीद डिस्काउंट दे सकें. अब मैं आप लोगों से जो रोज़ विलास है उसका पेमेंट प्लान उसकी पेमेंट प्लान के हवाले से आप लोगों से तफसीलात को शेयर करना चाहूँगी और उसकी बुकिंग के हवाले से कि अगर आप लोग बुकिंग करवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है. ये 4 मरले का टोटल विला है और इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 44,90,000. डाउन पेमेंट है इसकी 13 लाख. इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 46,945. जो क्वार्टरली पेमेंट्स है वो है 1,40,834 और हर 6 माह बाद जो आपने पेमेंट करनी होती है दैट इज़ गोइंग टू बी 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख की वो आप लोगों को पे करना होता है. अब आप लोग चूज़ कर सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट आप लोगों ने पे करनी है या क्वार्टरली, लेकिन जो आफ्टर एवरी 6 मंथ अमाउंट है वो आप लोगों को पे करनी ही करनी होती है. तो ये देख सकते हैं आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्राइस में कहीं आप लोगों को इस टाइम पर विला मिल सकता है. मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को मिल सकता है. तो ये आज की वीडियो थी आप लोगों के लिए. फर्दर मोर इसका जो लेआउट है किस तरीके से विलास दिखेंगे हर चीज़ ऑलरेडी डिज़ाइंड है. अगर आप लोग चाहते हैं उसके बारे में जानना नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, कमेंट्स पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी किसी किस्म के आप लोगों की क्यूरीज हो तो मेक श्योर कि आप उसको क्लियर करें. नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, आज ही कॉन्टैक्ट करें. amana.com की पूरी टीम मैं यहाँ पर मौजूद हूँ एंड आई एम हेयर टू गाइड यू. अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं हम आपको विजिट के ऊपर भी लेकर जाएंगे, सही है. अपना वंस अगेन आप लोगों सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए मज़ीद कॉन्टेंट बनाने वाली हूँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जाकर जो उसकी न्यू अपडेट्स वो भी आप लोगों को मिलेंगी. जैसे कि हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं, पार्किंग सिटी हो गया, ताज रेजिडेंशिया हो गया, 18 हो गया, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं जिसमें आज के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं. तो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दैट अमेजिंग कंटेंट. अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. अल्लाह हाफ़िज़. amanat.com पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल. मशवरा अमानत है.